फ्लैग मार्च कर रहे जवान की तबीयत हुई खराब, अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत। लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें बुधवार को सिकरौल थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च हो रहे थे, तभी गोरखा बटालियन के एक जवान की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बक्सर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए विभिन्न बटालियन को जवानों को जिले में बुलाया गया है, जिनमें गोरखा बटालियन भी आया हुआ है। गोरखा बटालियन का जवान बहादुर छेत्री दार्जिलिंग का रहने वाला है और पटना में ड्यूटी उसका लगी हुई थी, जहां से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर सिकरौल थाना क्षेत्र में इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी में ही फ्लैग मार्च के लिए सभी जवान निकले थे। जैसे ही फ्लैग मार्च शुरू हुआ, उस समय इस जवान की अचानक तबीयत खराब हो गई। आशंका जताया जा रहा है कि लू लगने से जवान की मौत हुई है। बुधवार के दिन बक्सर जिले का तापमान 46 डिग्री मापा गया था, जिसे लेकर मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट किया था। एक्चुअली लाया गया था हमारे यहाँ, इसको प्राथमिक उपचार नवानगर में किया गया है, उसके बाद ये यहाँ पे लाया गया, तो इसका प्राथमिक उपचार हमने किया। बेसिकली गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के कारण इसकी जान चली, तो हीट स्टैंड अभी नजर आ रहा है, इसके तहत उसके बाद इसका कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये 9:09 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर SDM राकेश कुमार और SDPO अफाक अख्तर अंसारी ने पुराना भोजपुर में फ्लैग मार्च भी किया, मतदाताओं को शांतिपूर्ण मतदान का देने का संदेश भी दिया। इस दौरान सर्किल इंस्पेक्टर संजय शर्मा, नया भोजपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार और हरियाणा पुलिस के करीब 5 दर्जन जवानों ने पुराना पुलिस भोजपुर चौक से नवा डेरा गेट तक फ्लैग मार्च किया। मौके पर SDM राकेश कुमार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मतदान कराने को लेकर के मंडल प्रशासन कितना अलर्ट है? पूरी तरह तैयार है प्रशासन। यहाँ पे हम लोगों ने आज फ्लैग मार्च निकाला था, जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको दिखाने के लिए कि प्रशासन पूरी तरह तैयार है, और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए कि आप स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करें, आप जाएं, किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और पुलिस पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पे हम लोग हर तरह का प्रिवेंटिव कार्रवाई किए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने में हम लोग सफल रहे। फोकस वोटिंग को रोकने के लिए क्या संदेश रहेगा? फोकस वोटिंग के लिए पहले भी की गई है कार्रवाई, उसमें जो भी मतलब जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहते हैं उनका नाम हटाया गया है, जो वास्तविक मतदाता उनका नाम जोड़ा गया है उसके लिए हर स्तर पे चेक किया जाएगा, उनका जो सूची है उससे मिलान किया जाएगा, उनका जो भी अधिकृत प्रमाण पत्र है अगर रहेगा तभी वो मतदान कर पाए, जब तक सत्यापन नहीं होगा वो मतदान नहीं करेगा। सर, राजनीतिक दलों के द्वारा यदि मतदाताओं को प्रलोभन वगैरह दिया जाएगा, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या अगर जो भी जो ये है आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम लोग एकदम सतर्क हैं, कहीं सूचना प्राप्त होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे, अगर इस तरह की सूचना आती है तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है आप लोगों? हाँ, जिला स्तर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ठीक है, फ्लैग मार्च आप लोगों ने किया है और 1 जून को मतदान है, ऐसे में गुमराह और मंडल प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ हम लोग को हर अवसर पे है। एक तो इलेक्शन से रिलेटेड हम लोग जो वोटिंग कराएंगे तो मतदान केंद्र से संबंधित जो भी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। हम लोग पार्टी डिस्पैच भी करेंगे, 31 तारीख को पार्टी डिस्पैच करेंगे, कल जो पार्टी मिलान वगैरह का काम है संपन्न करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो इसके लिए हम लोग एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल पहुंच चुका है, जिसमें 12 मिलिट्री के भी जवान हैं, दूसरे स्टेट के भी जवान हैं और बिहार पुलिस के। सर, असामाजिक तत्वों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो पब्लिक है जो निर्भीक होकर के मतदान करे, कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई भय का विषय नहीं है। वैसे लोग हैं जो पहले से चिन्हित किए जा चुके हैं और FFR वगैरह की कार्रवाई भी हुई है, और किसी तरह के कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन सख्ती के साथ होते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सर लगातार जिला प्रशासन हम लोग विगत पिछले 3 महीनों से इसमें लगे हुए हैं। 3 महीना नहीं कहें बल्कि नवंबर और दिसंबर से ही, जब हम लोग का संग्रह रिवीजन का कार्य चल रहा था तो उसमें भी बड़े पैमाने पर मतदाता सूची को खुद करने का काम किया गया है, और उसके पश्चात लगातार हम लोग मतदाताओं से अपील लगातार कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। इसके लिए हम लोग बूथ लेवल पे, गांव स्तर पे, हर जगह संध्या चौपाल और अन्य माध्यमों से बैठक करके उनको उत्साहित कर रहे हैं, जागरूक। प्रचंड गर्मी को लेकर सर मतदान? हाँ, गर्मी तो है लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम मतदान करें। मतदान तो केंद्रों पर सुविधाओं का भी? सुविधाओं जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतदान केंद्र पे होना चाहिए सभी पर्याप्त है। हम लोग बेड का भी व्यवस्था किए हैं,
ठंडे पानी की व्यवस्था होगी, अगर किसी को लू वगैरह या बीमार पड़ेंगे तो उस स्थिति में हम लोग जो फर्स्ट एड है उसके लिए भी व्यवस्था करके रखे हैं, ORS वगैरह की व्यवस्था रहेगी, कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं है और वोटिंग सुचारू रूप से होगा।